थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जिस तरह भी सर ने बताया है कि अगर हम डायलिसिस का ना करें, इससे पहले भी हमने जनरल हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहा था, लेकिन हमारे डोनर्स ने कहा था कि ये भी एक इस तरफ आप लोग ना जाएं। तो हमने सर, हम आपके साथ ही हैं, जिस तरह आप लोग हमें कहेंगे हम उसी तरह से चलेंगे। असल मकसद जो है, असल मकसद सुंदर फाउंडेशन का खिदमत खल्क है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो जिस तरह आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह हम वैसे ही करेंगे सर। थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि मैं अब हमारे जो मेन आज के इस तकरीब के रूह रवां हैं, ख्वाजा मसूद साहब फॉरवर्ड स्पोर्ट से, खुरम साहब का नाम इतना ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है सॉरी। और सर इसके अलावा सरफराज अहमद भट्ट साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सुंदर फाउंडेशन का शुरू से, जब से सुंदर फाउंडेशन स्टार्ट हुआ तब से इन्होंने, इस चैम्बर ने सुंदर फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और उसकी वजह यही है कि हर साल हमारा जो चीफ गेस्ट जो हमारे होते हैं, जो मेन हमारे गेस्ट होते हैं, वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होते हैं। तो मैं सर और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भरपूर तालियाँ होनी चाहिए सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए स्पेशली। और इससे पहले कि हम अपने मेन जो गेस्ट हैं उनको बुलाएं, उससे पहले सर हमारा हर साल एक केक कटिंग सेरेमनी होती है, जिसमें हम अपने इदारे के साल पूरा होने पे एक केक काटते हैं बच्चों के साथ। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से इसको अरेंजमेंट कर दें। तब तक हम इसका अरेंज करते हैं। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूँगा डाइस पे सरफराज अहमद भट्ट साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आप ख्वातीन और हजरात और अजीज बच्चों को सलाम पेश करता हूँ। इसके बाद मैं अपने मोजज़ भाई परवेज अहमद ख़ान साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस महफ़िल अज़ीम में शिरकत कर सकूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये फाउंडर सुंदस फाउंडेशन के जो ऑर्गेनाइज़र हैं या फाउंडर हैं, मैं उन्हें अजमत की सलाम पेश करता हूँ, उन साहब को जिन्होंने ये नेक काम शुरू किया। मुमकिन है उस वक्त चंद एक लोग हों, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह ये रौनक इंतज़ार कर रही है कि इस नेक काम के लिए हर आदमी को हिस्सा लेना चाहिए। और मैं भी आज से आपके साथ अदना कारकुन के हिस्से शामिल हूँ इंशाल्लाह। जहाँ तक सजेशन का तल्लक है या प्रिवेंशन जो है, ये बहुत ज़रूरी है। अब गर्ल्स कॉलेजेस में, बॉयज़ कॉलेजेस में इन लोगों को एजुकेट करें, अपनी टीमें भेजें कि वो अपना ब्लड चेक कराएं। और ताज़ा खून हासिल करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस लाइन में डीपीओ से बात करें, फ़ौज के स्टेशन कमांडर से बात करें कि वो आपको असेस दें मुख्तलिफ यूनिट्स में फ़ौजियों से फ्रेश खून लेने के लिए। जेल सुपरटेंडेंट आप इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं, वो जेल के जो कैदी हैं वो आपको फ्रेश खून दे सकते हैं। तो मुझे पता है कि टाइम बहुत दो मिनट का टाइम मिला था, तो मैं आपको अगेन मशकूर हूँ। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जो बच्चे बीमार हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता करे, आमीन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अभी हमारे इदारे के 18 साल पूरे होने पे सुंदर फाउंडेशन की तरफ से एक केक कटिंग सेरेमनी होगी, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख्वाजा मसूद साहब से कि वो स्टेज पे आ जाए। इसके अलावा डॉक्टर खुरम साहब और सरफराज साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे हमें ज्वाइन करें। परवेज साहब आप भी, मेरे आला इरफान साहब।